व्हाट इज अप एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं विजेट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन टीके इंटर। जैसे कि आपको पता है अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमारी पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक बेसिक जीयूआई विंडो बनाएंगे और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे हम उसकी ज्योमेट्री सेट करेंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकली बताना चाहता हूँ कि विजेट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास टीके इंटर के अंदर। तो यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे यार मैं इसमें कोड नहीं करूँगा, आज के इस वीडियो के अंदर कोड नहीं रहेगा बेसिकली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि विजेट्स और एट्रीब्यूट्स क्या है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हम एक बेसिक जीयूआई विंडो बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी के अभी जाकर आप इस सीरीज को यहाँ से बुक मार्क कर लीजिए यार, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं, क्योंकि ये एक फुल कोर्स होगा जिसमें मैं आपको सारा का सारा टीके इंटर सिखाने वाला हूँ। तो मैं आप वापस आया था अपने पेंट के ऊपर। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हम एक बेसिक जीयूआई विंडो बनाते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक बेसिक जीयूआई विंडो बनाई, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे हम रूट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। और रूट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने से क्या होता है, कैसे हमारा जो है एक बेसिक जीयूआई विंडो बन जाती है। अब बेसिक जीयूआई विंडो में होता क्या क्या है, अगर हम बात करें बेसिक जीयूआई विंडो की, तो उसमें हमारे पास एक यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्रीन का साइज बढ़ाने का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज करने का ऑप्शन आता है। तो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास एक बेसिक जीयूआई विंडो में होते हैं तीन तरह के। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास विजेट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करने वाला हूँ विजेट्स की। विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स क्या हैं, अगर आप इसी विंडो की बात करें जो हमारे पास अब खुली है, पेंट की विंडो, तो इस बेसिक जीयूआई विंडो के ऊपर क्या अलग अलग ऑप्शन सेट किए गए हैं, जैसे कि होम टैब, व्यू टैब, पेस्ट का ऑप्शन, उसी के साथ यहाँ पे मेन्यू बार आया था हमारे पास, उसी के साथ यहाँ पे शेप्स हैं, उसके साथ कलर्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, विजेट्स। आप यूँ समझ के चल सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमारी बेसिक जीयूआई विंडो है ना, ये क्या है, कपड़ा है, और उसके ऊपर हम अलग अलग मोती सजाते हैं जो कि हमारे पास हैं विजेट्स, ठीक है। अब बेसिक जीयूआई विंडो तो हमारे पास क्या है, एक विंडो है जो अपेयर होगी, ठीक है। अब उसके ऊपर अलग अलग ऑप्शंस होंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे बटन्स होंगे, लेबल्स होंगे, उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इमेजेस होंगी, एंट्री विजेट्स होंगे, उसी के साथ चेक बटन्स होंगे और स्केल्स होंगे जो कि यहाँ पे है। तो बेसिकली ये सभी क्या है हमारे पास, विजेट्स ही होते हैं। विजेट्स एक हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी जीयूआई के अंदर। इनकी मदद से ही यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर पाता है, वो अपना काम परफॉर्म करवा पाएगा। अब अगर हमने बेसिक जीयूआई विंडो बनाना सीख ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें टीके इंटर आ गए। अब बेसिक जीयूआई विंडो के अंदर हम कोई फंक्शनैलिटीज रखेंगे, अगर इस बटन पर क्लिक किया जाए तो ये काम होगा, अगर इस बटन पर हम क्लिक करें तो ये काम होना चाहिए। मतलब अलग अलग हम विजेट्स लगाएंगे, उसमें बटन्स आ जाएंगे, लेबल्स आ जाएंगे, अलग अलग विजेट्स। मैं इस पूरी सीरीज के अंदर सभी के सभी आपको विजेट्स बताने वाला हूँ, बट आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता था कि विजेट्स क्या होते हैं हमारे पास। तो विजेट्स बेसिकली क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सभी के सभी ऑप्शंस जो हम अपनी बेसिक जीयूआई विंडो के ऊपर लगाने वाले हैं, उसे ही हम विजेट्स कहेंगे। चाहे आप उसमें बटन ले लो, चाहे आप उसमें ले लो कोई लेबल ले लो, चाहे आप उसमें कोई टेक्स्ट एंट्री विजेट ले लो, कुछ भी, सभी हमारे पास विजेट्स के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है बेसिकली, अब मान लीजिए मैंने एक जीयूआई विंडो बनाई, जो कि मैं इसे मान रहा हूँ, जो मैंने इस स्क्रीन के ऊपर बनाई है। मान लीजिए मैंने एक जीयूआई विंडो बनाई, इस बेसिक जीयूआई विंडो, और मैं आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम विजेट्स को अप्लाई करेंगे। बट अब तक आप सोच, मान लीजिए जस्ट सोच के चलिए कि हमने क्या किया, एक बटन अप्लाई किया, मैंने एक बटन क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बटन क्रिएट कर लिया, ये मेरे पास एक बटन है B1 नाम का, जो कि मैंने अपनी बेसिक जीयूआई रूट विंडो के ऊपर लगाया। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो कोई ना कोई काम तो जो है वो परफॉर्म हो गई है ना, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस बटन को किसी ना किसी फंक्शन से बाइंड कर दूंगा। तो जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो वो फंक्शन चलेगा, और उस फंक्शन के चलने से हमारा कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होगा। तो बेसिकली ये सब होता कैसे है, होता क्या है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मैं विंडोज़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विंडोज़ का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, विंडोज़ का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक कुछ APIs को एक्सपोज करता है। अब यहाँ पे API क्या होती है, आप मैं इसको इसमें कवर नहीं करने वाला, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा कि API क्या होती है। वैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ APIs को एक्सपोज करता है। तो हमारा जो टीके इंटर का टूल किट है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीके टूल किट, मैं यहाँ पे टीके टूल लिख रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास टाइम कम है इसलिए। तो
जो हमारे पास टीके इंटर की टूल किट है ऑटोमेटिकली इन एपीआई को एक्सपोज करती है और हमारा टास्क परफॉर्म करवाती है। मतलब अगर हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इस बटन के साथ जो फंक्शन बाइंड है वो कैसे चल रहा है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एपीआई को एक्सपोज करता है, तो हमारे जो टीके इंटर टूल किट है उन एपीआई को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, फाइंड आउट कर लेता है कि क्या काम परफॉर्म करवाना है। तो इस तरह से हमारे सारे काम जो परफॉर्म होते हैं। वैसे ये एक थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है जी, आप अगर इसे थोड़ा बेसिक भी समझ के चले तो ठीक है, अब इसकी ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ना जाए, बट मुझे समझाना आपको ये मकसद था कि कैसे कैसे सब काम होते हैं। बाकी हम कैसे कैसे किसी बटन से, किसी भी विजेट से कैसे कैसे हम कुछ इवेंट्स को बाइंड करते हैं, किसी फंक्शंस को कैसे बाइंड करते हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप समझाने जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ को आप कम्प्लीटली समझें। इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आप किसी भी तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना पाएं, इसलिए मैं आपको सभी बेसिक्स भी क्लियर कर रहा हूँ। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लिनक्स हो सकता, कुछ भी हो सकता था, मैकबुक हो सकता था, वो क्या करता है कुछ एपीआई को एक्सपोज करता है, तो हमारे टीके इंटर का टूल किट उन एपीआई को पढ़कर सारा काम आगे परफॉर्म करवाता है। तो विजिट्स के आपको ये क्लियर हो गया। अब आप बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की क्या है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स की। तो अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं। अब हमारे पास विजेट्स क्या, हमें समझ लग गया। अब इन विजेट्स को कहाँ कहाँ पे हमें अप्लाई करना है, इन विजेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है, इन विजेट्स के क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, ये सभी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पर बात करें इस बटन की, अब इस बटन को क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन, बटन का कलर क्या रहेगा, ये भी एक एट्रीब्यूट है। बटन के अलग अलग फंक्शंस होंगे वो भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं जिनकी मदद से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, जिनकी मदद से हम पता कर पाएंगे सब कुछ कि किस बटन से क्या हो रहा है, उसके साथ हम ये पता कर पाएंगे, उसके साथ हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर पाएंगे, अपने विजेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट कर पाएंगे, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। आप यूँ समझ के चल सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम टीके इंटर के अंदर जो हमारे विजेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम इसके अंदर तीन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको बेसिक बता रहा हूं आपका, ये तीन फंक्शंस हमारे पास होते हैं पैक, ठीक है, तीन फंक्शंस होते हैं हमारे पास पैक, और सेकंड हमारे पास आया था बटन, ठीक है, बटन आया था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बटन नहीं आता, हमारे पास पैक आता, उसी के साथ हमारे पास प्लेस आया था, और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आया था ग्रिड। ये तीन हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम अपने विजेट्स को पैक करते हैं। पैक करने का मतलब लगाते हैं अपनी बेसिक जीयूआई विंडो के अंदर। तो मैं ये सब कुछ आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अब मेरा मकसद ये समझाना था कि विजेट्स क्या होते हैं, जो भी ऑप्शंस हम अपनी टीके इंटर की जीयूआई विंडो के अंदर लगाने वाले हैं वो हमारे पास विजेट्स होंगे, और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कुछ फंक्शंस जिनकी मदद से हम क्या करेंगे विजेट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे ऑर्गेनाइज वे में अपने तरीके से, अलग अलग फंक्शंस जिनकी मदद से हम विजेट्स को एक ऑर्गेनाइज वे में यूज़ कर पाएँ, वही हमारे पास क्या है एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अलग अलग एट्रीब्यूट जो टीके इंटर, अलग अलग फंक्शंस जो हमारे पास टीके इंटर के हैं, किंटर कह लीजिए, टीके इंटर कह लीजिए, वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो अगर आपने अब तक यार इस प्लेलिस्ट को अब तक बुकमार्क नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सारा का सारा सिलेबस इस प्लेलिस्ट में रहेगा आपकी टीके इंटर की। तो यार अभी जाकर यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए सभी वीडियोज़ को, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बुक मार्क करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अभी के अभी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज इसे अपने शेयर कीजिए अपने प्रोग्रामिंग ग्रुप्स में, और ये भी बताइए कि अगर आपको कुछ डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आपको, कोई भी अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न अभी के अभी, मुझे नीचे कमेंट कर बताइए। तो मिलती है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।